अब यहाँ पे हमने अपने टेबल को क्रिएट करना है, कर्सर हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट चूज इंसर्ट ऑप्शन, ये देखो टेबल की ऑप्शन है यहाँ पे। जब हम ये ड्रॉप डाउन बटन पे प्रेस करेंगे, देखो वन, दैट मीन कि वन रो और वन कॉलम, देन टू कॉलम्स एंड वन रो, साथ के साथ प्रीव्यू नज़र आ रहा है, थ्री कॉलम्स थ्री रोज, फोर कॉलम एंड फोर रोज फाइव, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारा वन कॉलम एंड टू रोज, थ्री वन कॉलम एंड थ्री रोज, वन कॉलम फोर रोज, उसी की लेफ्ट राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे उतने उतने कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। सो हमने क्या किया है, फाइव रोज एंड फाइव कॉलम्स। लेट्स सी, हियर वी काउंट वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल सेल कितने हो गए, फोर इंटू फाइव, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टेबल इंसर्ट ऑप्शन। अब इंसर्ट ऑप्शन से टेबल को कैसे क्रिएट करना है, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर फ्रॉम द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप, क्लिक टेबल, द टेबल सब मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स अंडर टेबल साइज, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट इन द रिस्पेक्टिवली टेबल, द फिफ्थ पॉइंट अंडर द ऑटोफिट बिहेवियर। तो सेकेंड हमारी ऑप्शन क्या है, टेबल को इंसर्ट करना, वो कैसे है। इंसर्ट में गए, टेबल के ड्रॉप डाउन पे हमने प्रेस किया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ आगे हमने कितने कॉलम्स लेने हैं, मान लो सिक्स सेवन कॉलम्स लेना, रोज कितनी लेनी है, टेन। यहाँ पे हम उसको, ये हमारे अपर डाउन बटन है, इनसे हम अपना इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, 10 by 10। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑटो फिट बिहेवियर, ठीक है, दैट इज ऑटो फिट बिहेवियर, ओके। देखिए अब हमने अपने कर्सर को वहाँ से मूव नहीं किया था, तो जो हमने पहले टेबल क्रिएट किया था वो भी उसके अंदर ही इंसर्ट हो गया, देखो, ठीक है। ये हमारा जो ऊपर वाला ये ऑप्शन है प्लस की, इससे हम अपने टेबल को कहीं भी क्लिक करके माउस को प्रेस करके उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने इसको उठाना है तो हमने इसको कहीं भी मूव कर लिया, ठीक है, जैसे आपकी बुक में भी शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारी अलग अलग ऑप्शंस है कि हमने किस तरह के अपने ऑटोफिट बिहेवियर को चूज़ करना है, ये हम पे डिपेंड है। हमने ऑटोफिट कंटेंट करना है, ऑटोफिट विंडो करना है, या फिक्स कॉलम विथ करना है, जो भी है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल ड्राइंग ऑप्शन। ड्राइंग ऑप्शन से कैसे करना है, दिस ऑप्शन अलोज यू टू क्रिएट अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स इन द डिजायर्ड पोजिशंस। स्टेप वन, सेलेक्ट ड्रा टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल सब मेन्यू, योर इंसर्शन पॉइंट्स टर्न्स इनटू अ पेंसिल, ठीक है। लेट्स सी हमने क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे गए, टेबल पे गए, यहाँ पे ड्रा टेबल, देखो हमारा कर्सर चेंज हो गया। सबसे पहले क्या था हमारा कर्सर, देखो पहले हमारा ये वाला कर्सर शो हो रहा है, देखो, ठीक है। जब भी हम ड्राइंग वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो हमारा कर्सर क्या है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम, देखो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। हमने जहाँ भी अपने टेबल को क्रिएट करना है वहीं वहीं अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डन। द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स कैसे है, वर्ड प्रोवाइड सेवरल परफॉर्मेटेड टेबल्स विच कैन ईजिली बी इंसर्टेड विद द क्विक टेबल्स ऑप्शन। स्टेप वन, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर। स्टेप टू, फ्रॉम द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप क्लिक टेबल, द टेबल सब मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट क्विक टेबल्स एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट ऑफ परफॉर्मेटेड टेबल, द परफॉर्मेटेड क्विक टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए हम इंसर्ट टैब में गए, टेबल पे जाके, ये हमारे टेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके
क्विक टेबल्स। देखो जैसे ही क्विक टेबल पे हमने प्रेस किया वो हमारे सामने ओपन हो गए। हमने इस फॉर्म में टेबल लेना है, कैलेंडर फॉर्म में लेना है, कैलेंडर 3 की फॉर्म में लेना है। हमारे पास नीचे ये हमारा ड्रॉप डाउन बटन है, इससे हम और भी अपने देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मान लो हमने ये वाली फॉर्म का लेना है तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमने अपना जो भी डाटा इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट कर सकते हैं।